स्टेडियम कमेटी गैरेज लाइन के द्वारा नियाजे गौसे पाक के नाम पर आम लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी धर्म व मजहब के लोगों ने शिरकत कर प्रसाद ग्रहण किया। नियाजे गौस पाक के आम लंगर के आयोजन को लेकर दुर्ग में स्टेडियम कमेटी गैरेज लाइन द्वारा लगातार 27 वर्षों से आम लंगर का आयोजन कर सभी धर्म प्रेमियों के साथ हजरत बाबा का लंगर खिला रहे हैं। इसी के चलते दुर्ग रविशंकर स्टेडियम में जितने भी दुकानदार हैं और आपसी ताउन कर हजरत गौस पाक की नियाज कराकर सभी धर्म के लोगों के लिए आम लंगर कराकर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। इसी कड़ी में कमेटी से जुड़े लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दरवी शरीफ की नियाज और गौस पाक के नाम से यह लंगर किया जाता है स्टेडियम व्यापारी समिति के साथ, और यह 20-25 वर्षों से लगातार जारी है। भाईचारा के रूप में यह लंगर को गौस पाक की नियाज को किया जाता है। ये एक हमारे दुर्ग शहर की आन बान शहर का प्रोग्राम होता है और विगत हम 27 सालों से मुसलसल इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं, और ये स्टेडियम में एक आने वाला प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम रहता है जिसके अंदर में सारे स्टेडियम के हर धर्म के लोग, हर मज़हब के लोग इसमें शामिल होते हैं। और ये सबसे खुशी की बात है कि आज हमारे सरकार पीराने पी दस्तगीर कुतुब रब्बानी महबूब सुबानी अब्दुल कादर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर की बारगाह में ये न्यास का प्रोग्राम 27 साल से मुसलसल किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। हिंदुस्तान गंगा जहना तहजीब के अंदर में ये एक ऐसा आलिशान प्रोग्राम होता है कि जिसके लिए हम दुर्ग शहर गर्व करता है, गर्व है हमें इस शहर के अंदर में, हम शहर के लोगों को गर्व है कि इस तरीके से प्रोग्राम को हम अंजाम देते हैं। और इसकी इस प्रोग्राम से हम हिंदुस्तान की एकता को जाहिर करते हैं कि हम कितने एक हैं और कितने नेक लोग हैं हिंदुस्तान के लोग, कि जिस तरीके से गौसे आज़म की तस्वीर की नियाज पाक करते हैं और उनको हम याद करते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।